अमरोहा में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर बीआरसी केंद्र चंदनपुर में शिक्षक शिक्षिकाओं ने धरना प्रदर्शन दिया। धरने को संबोधित करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष यशपाल सिंह ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों का ना तो प्रमोशन किया और ना ही शिक्षामित्रों को स्थायी किया गया, ना तो आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाया गया और ना ही पुरानी पेंशन बहाल की गई। पूरे प्रदेश का शिक्षक संघ बीआरसी केंद्र पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही शिक्षक संघ ने कहा कि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जिले से लेकर प्रदेश तक धरना प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राथमिक शिक्षक संघ गंगेश्वरी के ब्लॉक अध्यक्ष रामवीर सिंह ने की और संचालन ब्लॉक मंत्री प्रदीप कुमार भाटी ने किया। इस अवसर पर आभा त्यागी, सुगंध, प्रीति, मोनिका रानी, रेणु शर्मा, गुड्डी, गौरव नागर, देवेंद्र शर्मा, वैभव गुप्ता, मेहताबुद्दीन, अरविंद चौधरी, गौतम सिंह, संजय सिंह, लोकेंद्र सिंह, अनिल कुमार, अशोक सिंह, संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, देवराज, अमित कुमार, गुरमीत सिंह, नितिन कुमार, प्रमोद कुमार, रणवीर सिंह, राजीव कुमार, धर्मेंद्र यादव, दीपक कुमार, अभिषेक कुमार आदि शिक्षक मौजूद रहे। अमरोहा उत्तर प्रदेश से दीपक कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। हमारे पूरे प्रदेश में 75 जनपदों के सभी बीआरसी केंद्रों पर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षण के निर्देश पर एक सूत्रीय मांगों को लेकर धरना चल रहा है। सरकार पिछले 5 साल से शिक्षकों के ना प्रमोशन कर रही है, ना शिक्षा मित्रों को स्थायी कर रही है, ना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और उनके मानदेय बढ़ा रही है, और सरकार हमें कोई सुविधाएँ देने को तैयार नहीं है, सब झूठे वादे कर रही है। तो इसलिए 21 सूत्रीय हमारी मांग है, पुरानी पेंशन बहाली से लेकर सारी मांगें हम सरकार से मांग कर रहे हैं। पूरे प्रदेश का शिक्षक आज अपने अपने बीआरसी पर बैठा है और आगे को जैसा निर्देश प्रदेश नेतृत्व का होगा उस तरीके से आगे क्या रणनीति रहेगी। आगे की रणनीति ये कि जो निर्देश वहाँ को मिलेगा जिले पर धरने होंगे, फिर प्रदेश में होंगे, विधानसभा घेरने तक का कार्यक्रम है, और जैसे जैसे सरकार मांग जाती है तो फिर सरकार का झंडा लेकर आगे आगे आज प्रांतीय आह्वान पर 21 सूत्रीय मांग पत्रों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें प्रमुख मांग ये है कि लगातार 7 वर्षों से हमारे अध्यापकों के प्रमोशन रुके हुए हैं, उनके प्रमोशन नहीं हो रहे। पुरानी पेंशन की जो बहुत लंबी पुरानी मांग है वो आज तक पूरी नहीं की गई है। रसोइयों का मानदेय, आंगनबाड़ियों का मानदेय, अनुदेशकों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। तो सरकार से भी मांग है कि इनका भी, क्योंकि हमारे एक छत के नीचे जो कार्य कर रहे हैं सभी शिक्षक हैं, शिक्षिका बहनें हैं, अनुदेशक हैं, इनका मानदेय बढ़ाया जाए, सम्मानजनक मानदेय हो, शिक्षा मित्रों का समायोजन उन्हें बहाल किया जाए, उन्हें सहायक अध्यापक बनाया जाए। कोरोना काल में जो हमारे साथी इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनके जो देय हैं उनका भुगतान किया जाए, उनके आश्रितों को जो सरकारी नौकरी वो प्रदान की जाए। साथ ही स्कूलों में बिजली, पंखे, फर्नीचर की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हमारे स्कूलों में छात्र संख्या बहुत अधिक है परंतु सुविधाएँ नहीं हैं, जिस कारण बच्चे रुचिकर शिक्षा नहीं ले पाते। आगे जो भी प्रांत का आह्वान होगा, जो प्रांतीय नेतृत्व का आह्वान होगा, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ धरने पर। तो सर, इसमें जो स्कूल चल रहे हैं इस समय संचालन है, तो धरने के दौरान स्कूल बंद कर दिए गए क्या?